हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी HPSC PGDT एग्ज़ाम का रिव्यू कि आपका एग्ज़ाम किस तरीके से आया हुआ था, क्या इजी लेवल था या फिर टफ लेवल था। शायद ये जिनकी अब सेकंड शिफ्ट है उनके लिए आसान हो जाए या जिनका आगे एग्ज़ाम है HPSC PGDT का उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। तो जो एग्ज़ाम है उसमें आपके आपके 20 नंबर का जो कॉमन सिलेबस दिया गया था उसकी हम बात करने वाले हैं, क्योंकि सब्जेक्ट सबका अलग अलग आता है, वो आपके लिए हेल्पफुल भी नहीं रहेगा। बट इतना कह सकते हैं कि उनका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो मॉडरेट रहा है, ना ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे और ना ही बहुत टफ क्वेश्चन थे, तो मॉडरेट हम उसे कह सकते हैं। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कॉमन सेक्शन की, क्योंकि कॉमन सेक्शन जो है वो सभी में जो दोनों एग्ज़ाम हुए हैं उनमें सेम आया हुआ था। कॉमन सेक्शन आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी कॉमन सेक्शन सेम रहेगा। तो उसमें जैसे सिलेबस में आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, हरियाणा GK, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर्स, इस तरीके का पोर्शन दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपका टीचिंग का पेपर था और उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड ही नहीं पूछा गया है, जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस थे कि ये इसमें से क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि अगर टीचिंग का हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये बिल्कुल ऐसे चांसेस रहते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का देखने को नहीं मिला। हरियाणा GK की बात कर लेते हैं। हरियाणा GK में आपके 3 से 4 क्वेश्चन हरियाणा GK के थे, और वो भी ऐसे क्वेश्चन थे, एक पैसेज बनाकर दिया गया था बड़ा सारा, उसमें से आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करना था, उसमें से आपको उसका आंसर सिलेक्ट करना था। इतने कम टाइम में, मतलब वहाँ पर हमारा दिमाग भी प्रेशर में होता है, तो इतना बड़ा पहले उस पैसेज को पढ़ो, फिर उसके वो जो ऑप्शंस दिए गए उन्हें पढ़ो, तो थोड़ा मॉडरेट हम कह सकते हैं उस क्वेश्चन को। इसके साथ साथ जैसे एक नड्डा साहिब गुरुद्वारा में से क्वेश्चन दिया गया था, उसके भी 3-4 ऑप्शन बनाकर दिए गए थे, वहाँ से भी हमें सिलेक्ट करना था। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, हसन अली से क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 की क्रांति वाला क्वेश्चन था, जो वो भी ऑप्शंस में ऐसे पैसेज बनाकर दिया गया था। तो हम कह सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है ना वो बहुत इजी नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। तो हरियाणा GK की बात हो गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें जो एक तो मतलब सिलोलिज्म का ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सिलोलिज्म के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो भी आसान नहीं थे जो मैंने देखे हैं, ठीक ठीक क्वेश्चन थे, मतलब हम उसे ईजी नहीं कह सकते हैं। उसके लिए अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हुई होगी तभी आप उसे अच्छे से सोल्व कर पाए होंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड में से कुछ भी नहीं पूछा गया, जो कि सबसे बड़ी बात थी। इसमें मैथ की बात करते हैं। मैथ्स में से क्वेश्चन थे वो n² वाले, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, नंबर वाले क्वेश्चंस थे। आपके मैथ्स में से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये आपका एग्ज़ाम रिव्यू था कॉमन सेक्शन का, ठीक है। तो आपने अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया होगा तो उसे पता होगा, या जिसका अब आगे एग्ज़ाम है या नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो उसके लिए थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या नेक्स्ट जिसका एग्ज़ाम उसे आइडिया हो जाएगा। तो ओवरऑल लगाकर हम ये कह सकते हैं कि जो आपका एग्जाम है वो बहुत इजी लेवल का तो नहीं था, मॉडरेट ही लेवल था उसका। कॉमन सेक्शन भी बहुत इजी हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में इतने लेंथी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब आपको पूरा का पूरा पहले एक नंबर के लिए वो पैसेज पढ़ना है, फिर उसमें से चूज करना है, 4 ऑप्शंस पढ़ने हैं, फिर उसमें से सिलेक्ट करना है, तो उस क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लगा होगा, तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या रहा है। तो आगे जो भी शिफ्ट होगी उसका रिव्यू भी मैं आपको दूंगी। मुझे लगता है उसमें भी इसी तरीके का जो कॉमन सेक्शन है वो पूछा जाने वाला है, और आप आगे जो आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें भी ऐसा ही कॉमन सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आपके सिलेबस में 20 नंबर में टीचिंग एप्टीट्यूड दिया गया था, DI दिया गया था, लेकिन उनमें से कुछ नहीं पूछा गया है, सिर्फ सिलोलिज्म के ही क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, साथ साथ हरियाणा GK के क्वेश्चन रखे गए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं रखा गया। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में नेक्स्ट जो भी रिव्यू रहेगा वो शेयर कर दूंगी। थैंक यू, धन्यवाद।